नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों डेट जो है बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे कि डेट जो है आप सभी का कब तक बढ़ाया गया है, क्योंकि दोस्तों इसका जो लास्ट डेट था 15 जुलाई तक ही था। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, या दोस्तों उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, फिर से उनको आवेदन करना है, या फिर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल सबमिट नहीं किए, यानी कि तरह तरह का प्रॉब्लम है और उन्होंने दोस्तों अभी ऑनलाइन किया ही नहीं है। तो अगर लास्ट डेट खत्म हो जाता है यानी कि आवेदन डेट, तो उनका फॉर्म तो बाकी रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी के लिए डेट बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कब तक डेट बढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के एलिजिबल है, क्योंकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो इस तरह का आए तो सबसे पहला आपको नोटिफिकेशन दोस्तों। सारा जानकारी समझने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा बिहार हेल्प .in। जैसे आप सर्च करेंगे हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सिंपली स्कॉलरशिप यहाँ भी है और नीचे भी स्कॉलरशिप अपडेट है, और यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो एक आर्टिकल मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23। ऐसे दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप इस पे आके क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस वाला आर्टिकल पे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सारा जानकारी शेयर किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल जब आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट डेट हमने लिखा है, इसको जो 15 जुलाई था इसको हमने काट दिया है और एक्सटेंड सून लिख दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्सटेंड सून लिख दिया है, इसका रीजन है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कुछ सबूत दिखा सकते हैं। और आप बता दें, आपको हम यहाँ पे क्लियर अगर कर दे कि लास्ट डेट है, तो आपका 31 जुलाई तक ऑनलाइन होने वाला है। यानी कि दोस्तों जो स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसका लास्ट डेट 31 जुलाई होने वाला है। इसका कुछ सबूत हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपने मन से हम ऐसे कुछ बोल नहीं रहे। और यहाँ पे दोस्तों 31 जुलाई तक जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका फाइनल सबमिट करना हो या डेट कुछ भी है, चाहे नया फॉर्म भरना है या दोस्तों आपका स्टेटस चेक करना है, तो 31 जुलाई तक कर सकते हैं। इसका सबूत हम यहाँ पे कुछ दिखाते हैं। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो ऑनलाइन अप्लाई वाला, तो यहाँ पे दोस्तों आप आते हैं तो सबसे पहले दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा हम इमेज को इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर है। और आज दोस्तों ये हेल्प डेस्क नंबर, यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम अगर हो जाता है तो आपको जूम करके हम विस्तार से बता देंगे। और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर जो दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर यहाँ पे है जो है 95 34 54 70 98, जो कि राजकुमार लिखा हुआ है ये हेल्प डेस्क। और यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे आते हैं और व्हाट्सएप पे हमारे पास यहाँ पे चैट हुआ है टीम से, तो यहाँ पे वही देखिए नंबर हमने सेव किया है NIC टीम के नाम से, 95 34 54 70 98। देख सकते हैं सेम नंबर यहाँ पे आपने देख लिया। और इनसे जो चैट हुआ है, साफ साफ थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ऐसे हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स हाइड कर देंगे। तो चैट में दोस्तों उसी नंबर पे हमने चैट किया है जिसमें हमने साफ साफ यहाँ से पूछा है कि यहाँ पे सर आज का लास्ट डेट जो है क्लोज हो रहा है, तो क्या जो है पोस्ट मैट्रिक यानी कि स्कॉलरशिप का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं सर? तो यहाँ पे उधर से रिप्लाई मुझे आया है 31/7/2023 ऑनलाइन होगा, यानी कि दोस्तों 31 जुलाई तक ऑनलाइन करो, यहाँ पे उन्होंने बताया है मुझे, साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अब आपको बता दें, ये तो ऑफिशियल NIC टीम है जिन्होंने, हम आपको नंबर सबूत के साथ दिखा दिया कि NIC टीम का जो नंबर है यहाँ पे हमने सेव किया है, ये 98 लास्ट है। और यहाँ पे राजकुमार जो ऑफिशियल वहां पे बैठे हुए हेल्प डेस्क वाले, उनका ये नंबर है 95 34 54 70 98। और उसी सेम नंबर हेल्प डेस्क जो हमने यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको बताया है, यहाँ पे यही नंबर पे हमने किया था। तो आप दोस्तों बता दें कि यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने तो बता दिया, लेकिन आपका कहना होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? तो इसका रीजन है कि आज संडे है और संडे के दिन जल्दी नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज नहीं होता है। तो आपका जो है नेक्स्ट डे जो है आपको सोमवार को आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, या मंगलवार को जल्द नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आप जो है ऑनलाइन 31 जुलाई तक कर सकते हैं। साफ साफ क्लियर हो गया जो भी हमारे पास पुख्ता सबूत था। और ऑनलाइन अभी लिंक वर्किंग में भी है, देखिए अगर ये गलत बताते तो यहाँ पे ऑनलाइन लिंक काम करना बंद कर देता, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है और ये सारा जानकारी हमने आपको शेयर करने का यहाँ पे काम किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आप 31 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकते हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे और जो भी आपको जानकारी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।